जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में रेल कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि की वास्तविकता के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि बोनस से रेल कर्मचारी को कितनी खुशी होती है और क्या क्या टेंशन भी होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं, और जैसा कि आप जानते भी हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी करते हुए रेल कर्मचारियों को फेस्टिवल के पहले अर्थात दुर्गा पूजा के पहले मिलने वाले बोनस की जो संशय है उसको समाप्त करते हुए लेटर जारी कर दिया कि सभी रेल कर्मचारियों के खाते में दुर्गा पूजा के पहले ये बोनस की राशि मिल जाएगी। लेकिन ये न्यूज पब्लिश होते ही आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, वो दिन भर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाते रहे रेल कर्मचारियों की। बल्ले बल्ले रेल कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल, रेल कर्मचारियों को फेस्टिवल के पहले सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 दिन का बोनस मिलेगा रेलवे कर्मचारियों को, दुर्गा पूजा के पहले सरकार पे पड़ेगी हजारों करोड़ का भार। इस टाइप से ना जाने कितना आपने हेडलाइन देखा होगा, और ये जो खबर है इससे मेरे समझ से काफी नकारात्मकता फैलती है। जितने भी रेल कर्मचारी हैं वो तो जानते हैं कि उनको कितना बोनस के रूप में मिलेगा। जी हाँ, वो ये जानते हैं कि उनको बोनस के रूप में ये जो 78 दिन का वेतन मिलने वाला है वो मात्र 17,951 रुपए ही मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक सीलिंग 7,000 के अकॉर्डिंग 78 डेज का काउंट करके जो है बोनस दिया जाता है, जो कि 17,951 रुपए मैक्सिमम होता है। जी हाँ, ये मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि वो उस फाइनेंशियल ईयर में कोई कर्मचारी अगर अब्सेंट होता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग और कम करके बोनस दिया जाता है। यानी कि जो कर्मचारी 365 दिन वर्किंग होंगे, वर्किंग का मतलब लीगल रूप से वो रेस्ट लिए हो, लीगल रूप से वो छुट्टी लिए हैं, तो उनका काउंट होगा। लेकिन मीडिया जो है सो कि लोगों के दिमाग में फितूर डाल देती है, लगता है जैसे लाखों लाख रुपए बोनस के रूप में मिलेगा। इससे हमने आपको शुरू में बताया था कि रेल कर्मचारियों को टेंशन भी होती है। टेंशन ये होता है, मान लीजिए कि फेस्टिवल का सीजन, दशहरा, दीपावली, छठ, लगातार बड़े बड़े त्योहार, इसमें क्या होता है कि आप रेलवे में कार्य करते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो, उसको क्या होता है कि दिमाग में ये होता है फला मेरा रिलेटिव जो है सो कि वो रेलवे में है और उसको तो 78 दिन का बोनस लाखों लाख रुपए मिला होगा, तो हम उनसे कुछ मांगते हैं। तो वो आपको फोन करके कहेगा कि थोड़ा ये काम अर्जेंट है, 50,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन अब आप ये बताइए कि वो बोनस के नाम पे आपसे कर्जा मांग रहा है, लेकिन बोनस के रूप में आपको मिला कितना, 17,951 रुपए। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो दूसरा जो आदमी होगा वो काउंट ये करेगा कि 50,000 तो सैलरी वो पाते हैं, 78 दिन का तो कम से कम तो 1,25,000 आया ही होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, 17,951 रुपए, इससे 1 रुपए अधिक नहीं मिलने वाला है। तो ये जितने भी रेल से बाहर हैं वो इस गणित को नहीं समझते हैं और वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कोल इंडिया वगैरह का है उन लोगों का, और जितने भी महारत्न कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों के लिए बोनस 50,000 से ऊपर निर्धारित करती है। कोल इंडिया का भी 72-73,000 के आसपास बोनस निर्धारित हुआ है। तो इस तरह से जितने भी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं वो लाखों के रेंज में देती है। तो लोगों को ये दिमाग में आता है कि उन लोगों को अगर इतना मिल रहा है तो रेल कर्मचारी को जाहिर सी बात है लाख से तो ऊपर मिला ही होगा। तो ये जो डाउट होता है इससे रेल कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही वीडियो के माध्यम से समझाना या कहना चाहता हूं कि वास्तविकता यही है कि रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस 17,951 रुपए ही मिलता है। हाँ, एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, 7CPC के अकॉर्डिंग भी बोनस नहीं मिलता है, क्योंकि अगर 7CPC के अकॉर्डिंग भी मिलता तो बेसिक सेलिंग जो 6CPC 5200 प्लस 1800 जोड़ के मिनिमम 7,000 जो बेसिक जोड़ा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आज मिनिमम बेसिक 18,000 है ग्रुप डी कर्मचारी का, 18,000 से कम किसी का भी बेसिक पे नहीं है, तो 18,000 के अकॉर्डिंग ये बोनस मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, यदि आपका कोई रिश्तेदार रेलवे में है तो आप ये मत समझिए कि उसको लाखों रुपए बोनस मिलेंगे, उसको 17,951 ही मिलना है, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।